चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की वैवाहिक शिक्षा देना है। मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा ही रहता है। भले उसे ये चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसीलिए इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराए हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं, इसीलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको ही लूट कर ले जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। सब स्थानों पर अच्छे आदमी भी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुलों में पेरे जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रतन मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रतन तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीन रत्नों से बड़ा और कोई रतन नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि हो सकती है? ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्तिकाल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। काम भले ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करो। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए, ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, छपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गी से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, ये गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरे को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाले तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को ये सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ ही यही है कि इसे सदा अच्छे कामों में लगाएं। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थाई है, इसीलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए।
जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है, इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। लक्ष्मणी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये धन, रिश्ते नाते, घर द्वार सब अस्थाई है, इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाला ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसीलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियां अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हैं। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसी किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पी कर इस संसार से दूर जंगल में रहते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और साथ में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते हैं। इसीलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से ज्यादा भी भयंकर हो सकता है। आपको बता दें कि औरत में चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इनकी हमेशा भूख रहती है, भले ही उसे कितनी चीज मिल जाए लेकिन इनकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। महिलाएं पुरुषों से कुछ मामले में आगे होती हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर एक, इस नीति के अनुसार महिलाएं खाने के मामलों में पुरुषों से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इस बात से तात्पर्य है कि महिलाओं को मर्दों की तुलना में दो गुनी अधिक भूख लगती है। स्वास्थ्य लिहाज से भी देखा जाए तो कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए महिलाओं को पुरुषों से अधिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर दो, महिलाएं अपनी बुद्धि के बल पर आगे निकल जाती हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान ग्रहण करने की भूख होती है। नंबर तीन, इस समाज में आमतौर पर पुरुषों को ज्यादा पराक्रमी और साहसी माना गया है, लेकिन चाणक्य नीति इसे बिल्कुल विपरीत कहती है, जिसके अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला ज्यादा साहस वाली होती हैं। महिलाएं कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, वह वहां डट कर खड़ी रहती हैं। इसीलिए महिलाएं पुरुषों से 6 गुना ज्यादा साहसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।